महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की विधायकी छीनने वाले हैं। भाजपा के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी पर कब्जे की तरफ तो कदम बढ़ाया ही है, साथ ही आदित्य ठाकरे सहित जो 16 विधायक उद्धव ठाकरे के पक्ष में खड़े हैं उनकी विधायकी पर भी खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के स्पीकर चुने जाने के बाद अब शिंदे गुट की ओर से उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। इसको लेकर शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावले ने नए स्पीकर से शिकायत की है। इस शिकायत में शिंदे गुट की ओर से कहा गया है कि आदित्य ठाकरे सहित 16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द की जाए। शिंदे गुट की ओर से की गई शिकायत के बाद ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी के बाद एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे की विधायकी भी छीन लेंगे। शिंदे की ओर से हुई मांग पर नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष उद्धव गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं। चूंकि शिवसेना के 2/3 विधायक शिंदे गुट की तरफ हैं, इसलिए उनका पलड़ा भी भारी है और संवैधानिक रूप से वो ज्यादा मजबूत हैं। गौरतलब है कि 3 जुलाई यानी रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से राहुल नार्वेकर को मैदान में उतारा गया था। वहीं महाविकास अघाड़ी की ओर से शिवसेना के विधायक राजन सालवी मैदान में थे। शिवसेना के दोनों ही गुटों की ओर से वोटिंग के लिए व्हिप जारी किया गया था। उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने शिवसेना के सभी विधायकों को राजन सालवी को वोट देने के लिए व्हिप जारी किया था। वहीं शिंदे गुट की ओर से भरत गोगावले ने राहुल नार्वेकर को वोट देने के लिए अपील की थी, लेकिन भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार राजन सालवी को 47 मतों से हरा दिया। राहुल को 164 वोट मिले, जबकि एमवीए के उम्मीदवार शिवसेना विधायक राजन को महज 107 वोट मिले, जबकि 17 विधायकों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि शिंदे गुट का स्पीकर चुने जाने के बाद उद्धव गुट के विधायकों की सदस्यता पर खतरा शुरू हो गया है। उन्हें स्पीकर द्वारा शिंदे गुट की शिकायत के बाद व्हिप के उल्लंघन में अयोग्य करार दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई यानी सोमवार को स्पीकर इस पर फैसला ले सकते हैं। अगर उद्धव गुट के 16 विधायक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान शिंदे के पक्ष में वोटिंग नहीं करते हैं तो इन सभी विधायकों को नोटिस दिया जा सकता है और इसके बाद उनकी सदस्यता को अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।